जीएसटी के बाद आज दिन तक जो कपड़ा उद्योग नोट पे एक साल होने आया है, नोटबंदी से लेकर जीएसटी को लेकर के पूरा साल व्यापारी वर्ग का पूरा हर तरीके से बिगड़ा है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। जीएसटी में ये परेशानी आई है, कोई माल देने को तैयार नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब सामने आ रहा है और वकील के पास जाती है, वकील पूरी बात नहीं बदला पा रही है। नोटबंदी से व्यापार में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, नोटबंदी के बाद से व्यापार 25% ही बचा है। सारा उद्योग जो है हमारा चौपट हो गया, ना सेल रही ना कुछ रहा, लेबर को भी इतना प्रॉब्लम हो गया कि लेबर भी वापस चली गई, सारे जो 10-10, 20-20, 50-50 लेबर रखने वाले थे, दो दो लेबरों से काम चला रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां ध्वस्त हो गई हैं। जब से नोटबंदी हुई असर तो हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ गया है कि ज़्यादातर कंपनियों में काम ही नहीं है, वर्कर सब इधर उधर घूम रहे हैं, बेकारी हो गई है। और जब तक नोटाबंदी हुई है तब तक तो काम की बहुत ही स्थिति खराब रही है, अभी तक तो कोई काम में सुधार नहीं है। और जब उसके बाद में थोड़ा बहुत काम की चैन बन के आई, ठेला लोगों ने हाथ चलाना शुरू करा तो जीएसटी लग गई, जब जीएसटी लग गया तो और ज़्यादा काम जो खराब हो गई, तो काम में अभी कोई सुधार नहीं है काम को। सर, नोटबंदी से पहले हालात काफ़ी अच्छे थे, व्यापार वगैरह ताला, हमारा हार्डवेयर पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया, सभी जगह, देश विदेश सभी जगह चल रहा था, काफ़ी अच्छे उस पर चल रहा था। जब से ये नोटबंदी आई तब से हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे नोटबंदी से हम उभरना शुरू हुआ तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ही जीएसटी लागू कर दिया। नोटबंदी के बाद सारे लोग सारा बुनकर परेशान हुआ और आज तक परेशान है। नोटबंदी का असर उससे ज्यादा है, कम नहीं है, शुरू से ज्यादा ही अब है। अब क्यों है ये तो सरकार समझ सकती है इस चीज को, हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि मार्केट जब तक चलेगा नहीं तब तक हम लोगों का इत्मीनान नहीं। अच्छा, मार्केट चलना भी नहीं है, जीएसटी उसके बाद नोटबंदी के बाद ये लोग जीएसटी लगा दिए, और परेशानी।